बड़ा महल। कबूतर देखे। आजकल खत्म कर दिया वो स्टूडेंट वाला सिस्टम। यहाँ से चलते हैं अंदर से। यहाँ पे रास्ता है। इसकी तारीख बंदे को पढ़नी पड़ेगी। यार आप लोगों को ये इजाजत है अंदर। बहुत प्यारा बना हुआ यार, बहुत प्यारा। ये आप अपने हाथ से बनाते हैं? करवाते हैं? ये इधर से ऊपर के लिए रास्ता है ना। माशाल्लाह क्या तारीख गुजारी है मुसलमानों ने भी। उस वक्त वो अंग्रेज त्रासते होंगे ना इस तरह की चीजों के लिए। वो बहुत मतलब बैकवर्ड थे उस टाइम। अंग्रेजों की तारीख डाकू की है, हमेशा डाकू है वो। अभी भी डाकू है, लूट रहे हैं। क्या काम किया देखें, कितना मजबूत काम किया। बारह दरियां बनी है। कबूतर बहुत ज्यादा है। ये बहुत मजबूत हुकूमत की है मुसलमानों ने ना। हाँ यूनिवर्सिटी बना लेते। अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी लेकिन वैसे आपने शौक शौक के लिए बनाया। टिकट मैंने तो पैकेजेस जाना ही नहीं था। वो इसी तरह की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग्स में क्या करें बंदे। सेंटरियस की तरह। हाँ वो दोस्तों ने जीत कर दिया। वो तो इतने बड़े किले यूनिवर्सिटियाँ बनाते यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं ना। यही जगह यूनिवर्सिटी बनाते हैं। यार उनकी हद हो गई। वो किला था सिपाहियों वगैरह के लिए। ये हमारे शाहजहाँ के लिए मज़े की जगह थी, तभी हम इतने पीछे रह गए। लेकिन क्या जगह बन। तो ये दीवान आम है, यहाँ पे बादशाह बैठते थे, आवाम के जो शिकायत है वगैरह वो सुनते थे। यहाँ पे वजीर वगैरह बैठते थे, सुनने के बाद वो पीछे चले जाते। सिक्योरिटी के लिए पीछे जगह भी बनाई हुई है और ये तलवारें शलवारें रखी हुई है। इसको पहनने के लिए अलग पैसे लगेंगे ना। हाँ और ये देखो मुसलमानों की एक तारीफ है, बहुत आला अजीम किला है। इसका मतलब है मुसलमान इंजीनियरिंग में तरक्की के एक चट्टान पर चढ़े हुए थे पहले से, लेकिन बाद में जवाल ये जो शाहजहाँ पड़ गया पीछे नूरजहाँ के, तब जवाल आना शुरू हो गया। और उस टाइम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रही थी उधर, और इधर हमारा वो क्या शायद नूरजहाँ किला है, ताजमहल, ताजमहल बनाया है उन्होंने। और इतने बड़े किले बनाए, हो सकता है अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बना देते तो पता नहीं। अब आज हमारे साइंटिस्ट होते मुश्ताक भाई, अजीज़ भाई, आइंस्टाइन सारे यही होते हैं। पता नहीं आज हमारे सर शाहजहाँ बन गए और हमारे हालात यहाँ आ गए। महंगाई देखो, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब। ये इन्होंने मकान पर कब्जा किया है। ये शेरियो ये गेट है, अगर किसी ने बाहर से आना होता। हाँ बाहर से आना तो ये तोड़ छोड़ कर आना, जंग का टाइम ये बिल्कुल बंद होता था। हाँ ये देखें, छोटे वाले से लोग जो है अंदर बाहर होते थे। छुपकर जूम करता है ये, इससे जंग के टाइम ये बिल्कुल बंद होता था। ऊपर सिक्योरिटी होती थी तीरों वगैरह के साथ। इधर भी सिक्योरिटी, ये देखें सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाए गए। बहुत हद लेवल इंजीनियरिंग की है मुसलमानों ने। मतलब उस वक्त शायद हिंदू से काम करवाते थे ये सारे, इतने बड़े बड़े किले बनाए भाई बनवाए। ये जो दिख रहे हैं ये उसी टाइम के।
यहाँ पे ये बादशाहों के एंजॉय के लिए घूमने शूमने के लिए जगह थी, साथ साथ वजीर चलते होते थे। वो आप देख लें वो दीवान आम अच्छे बनाए हुए थे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे गन शन बाहर निकाल के, ठीक है, ये एक ऐसी इंजीनियरिंग की हुई, देखें बाहर से गोली ना लगे या तीर शरीदर से फेंक दें, इसलिए मोर्चे बनाए हुए थे तो शोभ निकाल के, और थोड़े टिल्ट कर बनाए हुए थे ताकि बाहर से गोली ना आए। ये देखें यहाँ से अंदर से फायरिंग होती थी या तीर फेंक के जाते थे उस टाइम के लिए तोप शोप बहुत। ये अंदर से किला है, ठीक है, यहाँ पे बादशाह बाहर निकल गए या वो जो आर्मी चीफ है बाहर निकल कर देख सकता था सिटी को। ये सिटी है, सारा पुराना सिटी है लाहौर के 8 दरवाज़ों में से 41 दरवाज़ा है। मोती गेट 41 दरवाज़ा, यहाँ पर दुश्मन यहाँ से, एनिमी यहाँ से हमला करता था और यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड देखते थे। लाहौर अंदर असल इधर था, तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये बादशाह हमारे मुसलमान इतने जवाल में गिर चुके थे, देखें ये फायर करते वक्त गोला फंस गया है, निकल नहीं रहा था, अभी तक फंसा हुआ है, गवर्नमेंट ने भी नहीं निकाला बाद में। ये यहाँ से तो फायर किया जाता था, वहाँ पर बीच में दुश्मन आगे दुश्मन होते थे, ये शायद 1-1.5 किलोमीटर तक ये गोला जाता था और उनको उधर फट जाते थे, वो उधर भी उस वाले में भी फंसा हुआ है गोला, निकाल नहीं सके, इसी वजह से अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। लो बारी है, तो कहता है